वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहां पर कवर करेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में कंपेंसेशन मैनेजमेंट की सेकंड यूनिट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम को। रिवॉर्ड स्ट्रेटजी को हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर लिया है, आज हम यहाँ पर इसके सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट इसमें अट्रैक्ट टैलेंटेड एम्प्लॉय। देखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड सिस्टम अगर अच्छा है, कंपेंसेशन अच्छा है, तो ऑब्वियसली उसमें जो भी टैलेंटेड एम्प्लॉय रहेगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही। अब यहाँ पर टैलेंटेड एम्प्लॉय मतलब उसमें स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें इंक्लूड होगी, तभी तो वो टैलेंटेड एम्प्लॉय कहला रहा है। तो देखो, जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है वो रिवॉर्ड सिस्टम और कंपेंसेशन जहां अच्छा होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होगा, वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा। सेकेंड है हमारा इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी इम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पे। लेकिन क्या होता है, ये जैसे रिवॉर्ड दिया जाता है तो दूसरे इम्प्लॉय भी इससे मोटिवेट होते हैं कि हम भी और ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगे या अच्छा वर्क करेंगे, ज्यादा इफिशियंसी से, ज्यादा एफर्ट लगा के वर्क करेंगे तो हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा। और जिसको ये रिवॉर्ड दिया जाता है अच्छी परफॉर्मेंस पे, वो और ज्यादा अच्छा वर्क करने की कोशिश करता है। ठीक, फिर है इंक्रीज मोटिवेशन। देखो, अब रिवॉर्ड देने से क्या होता है, जो इम्प्लॉय है उसका मोटिवेशन लेवल हाई होता है या इंक्रीज होता है कि इससे क्या, जैसे कि मैं और ज्यादा अच्छे से वर्क करूंगा, ज्यादा इफिशियंसी से, ज्यादा एफर्ट्स से वर्क करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। साथ में जो दूसरे इम्प्लॉय रहते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं इससे कि हाँ, मैं भी अच्छे से वर्क करूंगा, ज्यादा इफिशियंसी, ज्यादा एफर्ट के साथ वर्क करूंगा तो मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इम्प्लॉय है उनका परफॉर्मेंस लेवल और मोटिवेशन लेवल दोनों इंक्रीज होता है रिवॉर्ड से। ठीक, ये थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। अब हम यहां पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड्स ऑफ वेजेस डिटरमिनेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो वर्किंग पीपल होता है वो अपने यूनियन के थ्रू जो भी इम्प्लॉयमेंट है उसके उसके टर्म्स को डिटरमाइंड करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं उनसे नेगोशिएट करते हैं, जैसे पे को लेकर के या फिर अपने बेनिफिट को लेकर के, हेल्थ से लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, या फिर जो भी उनके लीव्स है, जॉब है, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है जिनको लेकर के वो कॉन्ट्रैक्टर से नेगोशिएटेड करते हैं। तो ये था कलेक्टिव बार्गेनिंग। सेकेंड है हमारा इंडस्ट्रियल वेजेस बोर्ड। इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसमें स्टेटरी वेजेस बोर्ड। इसमें क्या होता है कि जो मिनिमम वेजेस एंड अदर मैक्सिमम या स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उनको एस्टेब्लिश करने के लिए जो लीगल अथॉरिटी रहती है उसमें स्टेटरी वेजेस को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। अब उसमें एस्टेब्लिश कर दिया गया है मतलब जो स्टेटरी वेजेस बोर्ड है उसी का उसमें डिसीजन होगा और उसी का कंट्रोल भी होगा। फिर सेकेंड है ट्रिपेरिटी वेजेस बोर्ड। इसमें क्या होता है कि जो वेजेस है या वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग हावर है, तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए जो इम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट है या वर्कर के बीच में डिस्कशन होता है और उसके थ्रू जो वॉलेंट्री निगोशिएटेड बॉडी होती है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें जो ट्रिपेरिटी वेजेस बोर्ड है उसी का डिसीजन और उसी का कंट्रोल होता है। तो ये था इंडस्ट्रियल वेजेस बोर्ड। अब हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट अपॉइंट पे कमीशन। कि पे कौन कौन से पे कमीशन है जो गवर्नमेंट से अपॉइंट है। फर्स्ट है इसमें फर्स्ट पे कमीशन है 1946 का, सेकेंड है हमारा 1959 का, और इसकी जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी 1959 में। आईएलसी इट मींस कि जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है उसके जो 15th सीजन है उसमें क्या होता है कि जो मिनिमम वेजेस रहता है उसको फिक्स्ड करने के लिए उसके सारे स्टैंडर्ड को टेस्ट किया गया था, और उसको जो आईएलसी मतलब इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है उसके 15th सीजन में एस्टेब्लिश कर दिया गया है। फिर जो थर्ड पे कमीशन आया था 1970 में आया था, और इसकी जो रिपोर्ट आई थी 1973 में आई थी। फोर्थ पे कमीशन था 1983 का, रिपोर्ट थी इसकी 1996 की। फिफ्थ कमीशन था हमारा 1992 से 1996 तक चला था ये। फिर सिक्स्थ पे कमीशन आया था 2006 में था, और इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी 2008 में। तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ वेजेस डिटरमिनेशन, एंड ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।